हरियाणा के चरखी में विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर कानून का दर्जा दिया गया है, जिससे किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये कानून किसान आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया है। किसान नेता गंगाराम ने कितलाना टोल पर आंदोलनकारियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि इस कानून को पारित होने पर सरकार अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। फिलहाल सरकार के इस कानून को पारित कर लागू कर दिया गया है। देखिए, सरकार हरियाणा सरकार जो आंदोलन को कुचलने के लिए एक गैर संवैधानिक बिल कानून बनाया है, आज हमने उसकी प्रतियां जलाई हैं। इस कानून के तहत सरकार आंदोलन को कुचलने की तैयारियां कर रही हैं। जो पहले से मौजूदा कानून थे उनकी बजाय सरकार एक इस प्रकार का कानून लाई। अब भाई कोई भी आंदोलन करने वाला, आंदोलन को इंस्टिगेट करने वाला, आंदोलन को सपोर्ट करने वाला, आंदोलन को सहयोग करने वाला, उनसे वसूली की जाएगी। कोर्ट में ऐसे नियम बना दिए, अब जो ट्रिब्यूनल उसको निर्धारित कर देगा उसके 20% जमा करने से पहले वो आगे ट्रिब्यूनल में भी अपील नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक बहुत खतरनाक कानून है जिसकी आज यहाँ प्रतियां जलाई गई हैं। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इस कानून को हम उतना ही काला मानते हैं जितने 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने काले कानून बनाए थे, ये उनसे भी ज्यादा काला है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।